तरीके से इनका लुक है, जो फिर पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। हम आ चुके हैं दादी बाबा के घर पर और दादी बाबा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, वो हम अभी दादी बाबा को देंगे और आपको दिखाएंगे क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? साली के लिए कपड़े, साली के लिए लेकर आए हैं हम दादी के लिए साड़ी के लिए कपड़े हैं। तो ये छोटी सी भेंट है कोई या आए हैं गिफ्ट लाई के, हमें नया कपड़ा पहना ही नहीं है, चैनल पर ये लाइक करो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं गुगा गांव में, तो यहाँ पे देख सकते हो इधर इनका ये घर है, आप देख सकते हो इधर की गली ये गई है इधर से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये इनका गाँव है पूरे तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मिल चुका है। नमस्ते, देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और दादा बेबी के लिए कुछ लाए भी हैं, तो यहाँ पे गाड़ी से गुड़िया निकाल ली है, ठीक है निकाल लो। तो फिर चलते हैं घर की ओर। तो हो ये गुड़िया जा रही है इधर, बाबा जो यहाँ पे दादा बाबी जो हैं यहीं पे रहते हैं, तो इनका लोकेशन घर लेकर आए थे दादी बाबा के लिए, इसलिए मैं लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ तरीके से इनका लुक है, जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पे देखते हो धूप ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, देख सकते हो। दोस्तों हम आ चुके हैं दादी बाबा के घर पर और दादी बाबा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, वो हम अभी दादी बाबा को देंगे और आपको दिखाएंगे क्या लेकर आए हैं क्या नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस फिर से हम आ चुके हैं गुगा गाँव में। जैसे की आप लोगों ने बहुत ज्यादा हमारी वीडियोस में कमेंट किया था की कि दादी बाबा के साथ आप लोगों ने वीडियो बनाई है, तो मतलब जो वीडियो में आप लोग कमेंट किया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। तो देख सकते हो हमारे साथ कुछ हमारी वाइफ आई हुई हैं और यहाँ पे गुड़िया जी भी आई हैं जो हमारी सिस्टर हैं। तो बाबा और दादी बाबा जो दोनों लोग मिलकर वीडियो बनाते हैं, इनको तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप देख सकते हो बहुत ही जाना माना चेहरा है। और यहाँ पर देख सकते हो ये शालिनी जी। तो मैंने सोचा पिछली बार दो तीन बार आया तो मेरा जो मकसद था इनसे मिलने का, तो मेरा मकसद यही था कि इनका चैनल देखने का मकसद कि मतलब ये लोग वीडियो बनाते हैं गाँव से बिलोंग करते हैं, तो इनका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, तो ये चीज़ मैं सोच कर आया था कि मैं सोच रहा था इनकी कुछ मैं हेल्प कर दूँ। तो उस वजह से क्या यहाँ पर हुआ था कि कोई भी गांव में जो वीडियो बनाता है या वायरल होता है तो लोगों को ज़्यादातर अक्सर विश्वास नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। तो हमारे पास लगभग 3 से 4 चैनल मोनेटाइज हैं और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी किया, अपने चैनलों पर स्ट्रगल किया है, तो हम थोड़ा इनको एक बारे में जानते थे कि ये लोग गाँव से वीडियो बनाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होगा। तो पहली बार आए तो हमने चैनल मोनेटाइज करने के लिए इनको बोला कि आप चैनल मोनेटाइज करा लीजिए, आपका जल्दी से पैसा आ जाएगा। इनको लोगों को विश्वास नहीं था, भाई विश्वास क्यों होगा, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी एकदम आता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने आज जो यूट्यूब पर सब कुछ हो चुका है इनका, काफ़ी लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, जो भी लोग आते हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी थोड़ा यहाँ पर फर्ज बनता है कि हमको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आज दादी बाबा के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं और दिखाओ गुड़िया जी, बोल पे थोड़ा बोल। तो यहाँ पर देखते हो हम लेकर आए हैं सालनी के लिए कपड़े। हाँ, सबसे पहले सालनी के लिए, तो देख सकते हो ये सालनी के लिए, तो सालनी। और यहाँ पर लेकर आए हैं दादी के लिए साड़ी। और यह है बाबा के लिए जो कपड़े हैं, वो बाबा के लिए कपड़े हैं, ये बाबा के लिए। और तो ये छोटी सी भेंट है कोई, ये नहीं है कि वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये कुछ लालच के चक्कर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा कुछ मन किया कि मैं इनको कुछ दे दूं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगी हमारी तरफ से, तो इसीलिए मैंने छोटा सा इनको गिफ्ट दिया है। तो दादी बाबा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यही कपड़े पहनकर हम लोगों के साथ जो है थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ना दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोग, हमारी भी कुछ अरमान है कि हम मतलब जो है आप लोग इस कपड़े पहन ये कपड़े पहनकर हम लोगों के साथ में वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं दीदी? कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने जो उनसे सब्सक्राइबर से यही कहना है कि आप लोग भैया हाथ जोड़ती हूँ कि नाराज मत होना, क्योंकि भैया हमारे गिफ्ट लाए हैं तो हमारा लेना पड़ता है, भैया का जो भैया अपनी तरफ से दिए हैं
तो हम उनसे कह रहे हैं कि आप गलत कमेंट मत करना, क्योंकि आप भी लाओगी तो उसको लेना हमारी जो है हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारी सपोर्ट किए हो, ये भी कर रहे हैं और तुम सब लोग हमारी सपोर्ट किए हो, आप खुशी से लाओगी तो हमको लेना ही हमारा धर्म है और फर्ज बनता है कि हम ले लें, तुम आप गिफ्ट लाओगी खुशी से तो हम ना लें तो आपको कितना दिक्कत होगी, कितनी तकलीफ होगी। हमारे बेटे के लिए लाए हैं, पापा के लिए लाए हैं, ये जो है देखते हैं पापा एक कपड़े में जो वीडियो बनाते हैं, तो हमारे पापा के पास में कपड़ा वास्तवी में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा मम्मी के पास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पापा के पास में, तो इसी खुशी में भैया जी लाए हैं और हम जो है कि कपड़े ले लिए हैं। हमारा जो पापा केरा चैनल है नंदलाल लखीमपुर, और इसे भैया जो है सपोर्ट करते रहना, और भैया जो आए हैं उनको सपोर्ट करते रहना, और हमारे पापा का चैनल है नंदलाल लखीमपुर, यही चैनल है, और बिट्टू का चैनल है शालिनी राज 100, ये हमारी बिट्टू का चैनल है, इसको भैया देख लेना, सपोर्ट करते रहना, और मैं तो यही कहूँगी जो है चैनल का नाम बताओ एक बार बता दे, शालिनी राज 100 बिट्टू का चैनल है और दादी बाबा का हमारा चैनल नंदलाल लखीमपुर, चैनल हमारा है भैया जी, हाँ इनका चैनल नंदलाल लखीमपुर खीरी, और हम लोगों का जो चैनल है जैसे चैनल का नाम है आरती शर्मा 23, ये मेरी घरवाली है, तो इनके चैनल का नाम है आरती शर्मा 23, ठीक है, और गुड़िया ब्लॉग 23, दो चैनल है इनके, और गुड़िया मेरे चैनल का नाम है गुड़िया ऑफिशियल 23 और गुड़िया ब्लॉग गुड़िया 23, ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं, आप इन चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो और दादी बाबा को जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, तो इनको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सब शालिनी राज यहाँ पे देख सकते हो, शालिनी राज बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, शालिनी को भी ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से थैंक यू। छोटा डॉन है ये, इसके कारनामे बहुत ही अजीब अजीब है, तो अपने चैनल का नाम बताओ क्या है तुम्हारे चैनल का नाम, अर्पित सिंह चौहान 23:45 इनके चैनल का नाम है, और आप कहाँ से आए हो, बिजपुरी बिजपुरी लखीमपुर में ही पड़ता है, तो उनके चैनल को भी ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। दोस्तों कुछ मेरी भी अरमान है जो यहाँ पर हम दादी बाबा के साथ में वीडियो बनाने आए हैं, तो दादी बाबा जो है एक ही साड़ी में वीडियो बनाते थे, मुझे भी अच्छा लगता, पर दादी बाबा जो आज कपड़े लेकर आए हैं वही कपड़े पहनकर वीडियो बनाएंगे, और मेरी भी अरमान है कि यही कपड़े पहनकर वीडियो बनाए, मुझे भी अच्छा लगता है। जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी दादी बाबा के साथ में, तो उसमें भर भर के इतना दीदी कमेंट आ रहे थे कि दादी बाबा के लिए सभी लोग तो जाते हैं, सभी लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनके कोई कपड़े नहीं बदल पाया, ठीक है, ये इस तरीके के कमेंट मेरे पास भरे हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोग कहते हैं तो आपकी भी अरमान पूरी करनी है, इसमें अरमान पूरी करने की कोई बात नहीं, ये तो मैं पहले भी करने वाला था आप लोगों के बोलने से पहले भी, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ आया था, मुझे अच्छी तरीके से यहाँ का नॉलेज नहीं था कि इस तरीके से ये लोग रहते हैं, क्या इनकी पोजीशन है, जब मैं दोबारा जान गया। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट, तो दोस्तों यहाँ पर दादी बाबा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो दादी बाबा मेरे लिए कुछ बोल दीजिए। जय भैया आए हैं गिफ्ट लेके, हमें नया कपड़ा पहना ही नहीं, हम वीडियो भैया बनाए हैं ना, अब बनेबा तो इनका सपोर्ट करो, और इनके चैनल पर ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दादी बाबा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो दादी बाबा के लिए हम कुछ वस्त्र लेकर आए थे, जो मैंने सोचा कि यही वस्त्र से हम उनसे वीडियो बनवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देखना, हाँ, तो इनके चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना, नंदलाल लखीमपुर, ठीक है, इनके चैनल का नाम है नंदलाल लखीमपुर, दादी बाबा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इनको भी सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों दादी बाबा के साथ हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी जमकर वीडियो बनाई है, और शालिनी के साथ भी वीडियो बनाई, वो देख सकते शालिनी वहाँ पे घूम रही है, तो शालिनी वीडियो में ब्लॉग में नहीं आना चाहती है, बहुत ही अच्छा लगा, तो यही था आज का ब्लॉग, जो आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको दिखाया है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।